सोलन में पहुंचे अराजपत्रित सर्व कर्मचारी पेंशनर्स श्रमिक व युवा बेरोजगार मोर्चा अध्यक्ष गोपाल दास वर्मा ने प्रदेश की भाजपा सरकार को विफल करार दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि प्रदेश में कर्मचारी सरकार के खिलाफ है और उन्हें अपने पक्ष में करने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पूरी तरह से विफल हो चुके हैं। प्रदेश का कर्मचारी वर्ग और सेवानिवृत्त कर्मचारी सभी सरकार से परेशान है, इसलिए आज वह प्रदेश के प्रधानमंत्री से आग्रह करते हैं कि अभी भी समय है, वह हिमाचल प्रदेश की ओर कुछ ध्यान दे, अन्यथा कर्मचारी वर्ग सत्ता परिवर्तन के लिए पूर्ण रूप से तैयार खड़ा है। जी, मैं आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह अपील करना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में अपनी सरकार को संभालो। चुनाव के लिए 3 महीने रह गए हैं और इन 3 महीनों में वो होगा जो आज से पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो हैं वो समझ ही नहीं रहे कि कर्मचारी और पेंशनों को देखते कुछ नहीं है। हिमाचल प्रदेश के अंदर कर्मचारी और पेंशनों ने सरकारें बदली। 2017 में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की वजह से हमने भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए दिन और रात मेहनत की, पेंशनों ने करी, कर्मचारियों ने करी, और आप देखिए कि जीत हासिल की। तब जयराम जी तो थे नहीं, कहीं पिक्चर में नहीं थे ये जयराम जी, तो कहीं ना हमने कभी देखा इनको, ना इन्होंने कभी कांग्रेस का विरोध किया, ना पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का विरोध किया। ये इतिहास है इस बात का। आज ये जयराम का राज नहीं है, हिमाचल प्रदेश में माफिया राज कर रहा है, चाहे वो ड्रग माफिया हो, चाहे खनन माफिया हो, चाहे वन माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, चाहे दूसरे कोई माफिया हैं, अरबों रुपए करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और चढ़ा रहे हैं। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि मैं प्रधानमंत्री महोदय, आप हिमाचल के प्रभारी थे और जब आप हिमाचल के प्रभारी थे हम आपसे मिलते थे, दीपक होटल शिमला का मशहूर होटल है, वहाँ आपसे बातें करते थे और आपका ठीक है आज का अच्छा विज़न था और आपकी बात सुनते हैं सबकी। पर ये क्या हुआ कि हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी पेंशनों की सुनाई क्यों नहीं है, क्या कारण है उसका बताइए। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ, आप भी हिमाचल प्रदेश 3-4 बार ही आ गए हैं, क्या आपको पता नहीं आप देश के प्राइम मिनिस्टर नहीं है? क्या आईबी आपको रिपोर्ट नहीं करती है? क्या दूसरी जो संस्थाएं आपको रिपोर्ट नहीं करती कि हिमाचल में क्या हो रहा है? अगर सारी बात जेपी नड्डा पे छोड़ देनी है तो छोड़ दो, तो छोड़ दिया। हमने तो नोटिस दिया 14 अगस्त कि हमारी जितनी मांगे हैं पेंडिंग उनको करो, अन्यथा हमने कोई हड़ताल नहीं करनी, कोई प्रदर्शन नहीं करना। हम 16 अगस्त को राजनीतिक मंच पर हिमाचल प्रदेश में लड़ाई का अभियान करेंगे। आज देखिए हिमाचल प्रदेश की जो कांग्रेस पार्टी है, चाहे विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री है, चाहे राजेंद्र राणा है, चाहे प्रतिभा सिंह है, चाहे विक्रमादित्य सिंह है, चाहे दूसरे लोग हैं, ये लोगों को बुला रहे हैं, ये लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और सरकार लोगों को भगा रही है, ना कर्मचारियों में कोई पकड़ है, ना पेंशनों में कोई पकड़ है। तो आज हालत देखो, 4 बाई-इलेक्शन आ रहे, क्यों आ रहे जब कर्मचारी पेंशन काम ही नहीं कर रहे, क्यों करेंगे? जब भैया आप बुलाएंगे नहीं, ये 4.5 साल का वक्फा है, इनमें कभी भी मुख्यमंत्री ने किसी कर्मचारी नेता को, पेंशन के कर्मचारी नेता को अपने पास नहीं बुलाया, कोई डिस्कस नहीं किया मैटर। ये हवा में, एक टांग हेलीकॉप्टर में, दूसरी जमीन पे है, तो इसलिए लग जाएगा पता। हमने तो ये कहा कि आज मैं प्रधानमंत्री से इसलिए अपील कर रहा हूँ कि हमने इस पार्टी को हिमाचल प्रदेश में लाया है, और वो पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जानते हैं कि क्या वजह थी, उन लोगों ने इकट्ठे किया हमारे को, तब ये सरकार आ जाइए। और ये लोग पूछते नहीं है, ये तो जीरो है काम, इनके तो एक आधे मंत्री जीतेगा, बाकी तो सब हार जाएंगे चुनाव।